तो गाइज़ एक चीज़ मेंशन करनी थी मैंने कि ना जो जो ऑस्ट्रेलिया में है ना वो अपनी गाड़ियाँ घर के अंदर खड़ा किया करें। हाई पॉइंट के अंदर एक बड़ा केमार्ट स्टोर भी है, तो गुड थिंग। यो गाइस वेलकम टू चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हाई पॉइंट, अभी उन हाई पॉइंट की पार्किंग में तो आ गया हूँ ऑलरेडी मैं। तो शॉपिंग वगैरह करनी है, तो कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से, तो वो लेने जा रहे हैं। तो गाड़ी चेक करें मेरे साथ, कितनी अच्छी गाड़ी है, चेक करें ज़रा। ये है जी मित्सुबिशी आई थिंक, लवली। तो ये चेक करें जी, जंगली कबूतर कितने ज़्यादा खा रहे हैं आराम से, जैसे मर्जी पास से गुजरो, जो मर्जी करो वो आराम से अपना खाने में मस्त है बहुत ज़्यादा था। तो इनको जाते हम खाने नहीं उड़ाते, अगर ये होते हैं पाकिस्तान में तो ऐसे हमें नज़र ना आते हो रोड पे, इसके घर में होते या फिर खाने दे खराब करके ये वाले। तो ये चीज़ है यार, पे ये जानवरों का ख्याल करते हैं ऐसे। सो इंट्रेंस हाई पॉइंट की है जी ये, अभी हम इंटर होने लगे हैं। जैसे ही हम हाई पॉइंट के अंदर यहाँ पे इंट्रेंस इस तरफ से करते हैं तो फूड कोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी फूड शॉप्स आती हैं यहाँ पे नैंडोज के साथ। और ये है जी इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ पे जाना है आपने हाई पॉइंट में। तो अगर आपको किसी शॉप पे जाना है तो आप इसके ऊपर डालें वो, और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है। तो आज इतना क्राउड नहीं है, मंडे का दिन है आज। तो ये है जी फूड कोर्ट हाई पॉइंट के, हाई पॉइंट मॉल के अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं तो वो आपको मिलेगा। एमिरेट्स, तो ये है जी फर्स्ट ऑफ ऑल यार हर्बल, जो कि स्पोर्ट्स की चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी पायदार, तो चेक कर सकते हैं इसको आके। मैंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली हैं काफ़ी बार, आपने देखा होगा यहाँ पे कोई जानते होंगे कनोर, चीप प्राइस की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, महंगी भी होती हैं सस्ती भी होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। तो अगर इस किसी ने शॉपिंग करनी हो तो इसको भी ट्राई करना मस्ट। हमने चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी खरीदी हुई हैं अच्छी अच्छी, ट्राउज़र शर्ट्स यहाँ से मिलेंगी आपको। कनोर के साथ आपको एक स्टोर मिलेगा YD, यहाँ पर भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से ऑलरेडी हमने शॉपिंग की हुई है। तो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस बट डेफिनेटली अच्छा मटेरियल, तो ऑफ काफ़ी लगे होते हैं, जैसे आज 50% ऑफ बाय वन गेट वन, तो ये सीन है, इसको भी ट्राई करिएगा मस्ट। आप अगर हाई पॉइंट में आएंगे तो ये तो लाजमी देखेंगे। एक अंकल जी बैठे हुए हैं अपने स्कूटर पे, तो इट्स रियली नाइस पिक्चर्स के लिए, तो हम भी ट्राई करते हैं इसके साथ एक पिक्चर्स के लिए। तो गाइस एज यू नो और नॉट, हाई पॉइंट के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जो क्या बोलते हैं स्टोर्स हैं, तो मायर, ज़ारा, सो मैनी, तो हाई पॉइंट मस्ट विज़िट करें। इसलिए शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह जो है ना मेलबर्न में, मुझे तो हाई पॉइंट लगती है अब तक की, आई डोंट नो आपका क्या। चेक करें, ये टॉप ऑफ द फ्लोर है यहाँ पे, जो सबसे ऊपर वाला, आई थिंक तीन हैं टोटल या चार हैं। गाइस एप्पल का जो स्टोर है वो भी इसमें ही है, हाई पॉइंट में बड़ा स्टोर है काफ़ी। तो अभी हम उसका भी चेक करते हैं क्या सीन है आज, कौन कौन सी चीज़ें और कितने में है, तो आज थोड़ा सा शॉर्ट टूर करते हैं। तो गाइस अभी मैं गया था एप्पल स्टोर, तो कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे आज देखने को, लाइक हर चीज़ मिलेगी आपको, मोबाइल वगैरह तो हर चीज़ है, कुछ मन को नहीं लगा जो कि दस्ती ख़रीदा जाए, तो इसलिए आगे हम
अभी हम एक दो चीज़ें और लेनी हैं, वो रह गई हैं वो लेते हैं एंड देन वी विल गो बैक। आ रहे हैं डाउन फ्लोर पे नीचे, तो जो सबसे टॉप ऑफ द फ्लोर है वहाँ से डाउन फ्लोर सेंकिड है। ये सेंकिड है, हाँ जी सेंकिड है, तीन फ्लोर है इसके टोटल। तो अभी हम जा रहे हैं चार फ्लोर। हाई पॉइंट के अंदर एक बड़ा केमार्ट स्टोर भी है, तो गुड थिंग। मेरे इलेक्ट्रिक ब्रश है मेरे पास, तो उसका ये ना फिनिश हो जाता है, 6 माह के बाद चेंज करना होता है ये ऊपर वाला ब्रश, तो ये लिया जा रहा है, ये उठा लिया हमने। तो गाइस थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद अब खाना पीना थोड़ा सा कर लिया जाए, थक गए हैं तो थोड़ी एनर्जी ड्रिंक पी ली जाए, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे, एक दो चीज़ें रहती हैं वो लेके दैन हम जाएंगे बैक, तो मिलते हैं फिर। खानी है तो आ जाएं, आपके लिए भी है इसमें हिस्सा। तो गाइस अभी ये हमने KFC से ऑर्डर किया, तो अभी यहाँ से डीज और काफ़ी कुछ लगा हुआ था, एक दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं तो वो लेके खाएंगे फिर। ये जी हमारा ऑर्डर आ गया, तो अभी हम खाएंगे ये एंड देन वी विल गो बैक। तो KFC चेक करें गर्मा गर्म। तो ये जी चिप्स एंड ऑफ टेंडर एंड ये चेक करें जी बॉक्स ऑफ जिंगर बॉक्स क्रंचेस। ये अभी यम यम अभी खाएंगे इसको। तो गाइज एक चीज़ मेंशन करनी थी मैंने कि ना जो जो ऑस्ट्रेलिया में है ना वो अपनी गाड़ियाँ घर के अंदर खड़ा किया करें जो उसके सेफ जगह है वहाँ पे, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसे जो है ना केस सामने आए हैं कि लोगों की गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी होती हैं, तो कुछ लोग हैं यहाँ पे भी इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में भी जो कि गाड़ियों के शीशे तोड़ के तो अगर अंदर कुछ अच्छी कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो वो हटा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए गाइस अपनी अपनी गाड़ियाँ सेफ क्या करें, आजकल भाई शीशा भी टूट जाए तो फिर इंश्योरेंस के चक्करों में पड़ने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं, तो इससे बचें। ओके तो गाइस हमेशा की तरह आज फिर हम एट द एंड जिम में हैं, तो अभी जिम शिम करके एक्सरसाइज वर्कआउट आज का डन करके तो अभी हम निकलने लगे हैं अगेन घर को। तो भाई साहब ऑलरेडी गाड़ी में बैठ गए हैं, तो कैसा रहा जी आज का आपका वर्कआउट? कैसा रहा आज का आपका वर्कआउट? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा डे बाय डे अच्छा हो रहा है, डे बाय डे अच्छा हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिल्कुल हो रहा है डे बाय डे, इंशाल्लाह एक दिन बेस्ट भी होगा। तो इसी तरह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग जस्ट छोटा ही था, इतना कुछ करने को था नहीं, तो जो था वो था दिया। बाय बाय।